लेबिनन का नाम देते हैं। तो ये चीज है। अब आइए स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो आपका लेबिनन। नेक्स्ट आइए उसकी संरचना, पहले पुष्प के बारे में याद है, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में आपने पुष्प देखा ही होगा किस प्रकार से होते हैं, उसमें वाह दल भी होते हैं, दलपुंज होते हैं, फिर कुमंग होते हैं, जायान होते हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर देखने को मिलती है पुष्पों के अंदर। तो पुष्प की संरचना कैसी होती है बोलिए। पुष्प की संरचना जो देखा जाए तो टेट्रागोनल भी होती है, पेंटागोनल भी होती है, हेक्सागोनल जैसी स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो इसमें कई रूप होते हैं, उसमें उसी रूप से जो है स्ट्रक्चर पीटल्स का रूप कैसा होता है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार का हो, पीटल का रूप इसको ट्रायंगल बोलते हैं, कुछ में होता है इस प्रकार की रचना होती है, ऐसे ऐसे होता है, कुछ में क्या होता है बिल्कुल पत्ते पत्ते स्वरूप में होता है, ऐसे ऐसे इसको हम दंडाकार बोलते हैं, है ना। कुछ में आप देखोगे इस प्रकार की संरचना होती है, ऐसे इस प्रकार से संरचना होती है। इस प्रकार से देखा जाए कई रूपों में उसकी संरचनाएं देखने को मिलती है। कुछ के पीटल्स होते हैं कलर्ड होते हैं, कुछ में ओनली वन ही कलर होते हैं, और इसी पीटल्स के बीच में हमारे एंडोसियम और गायनोसियम स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से अब आइए पुष्प की संरचना के बाद पुष्पों के भाग। पुष्प के कितने भाग होते हैं उसको यहां पर कर दीजिए, पुष्प के भाग पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर के तहत चार प्रकार के पार्ट होते हैं। पहला है वाह तल, तो हम बोलते हैं कैलिक्सियल वायर। दूसरा आपका है दलपुंज, जिसको बोलते हैं कोरेला, और तीसरा आपका है कुमंग, जिसको इंग्लिश में एंडोसियम बोलते हैं, एंडोसियम। और चौथा है गायनोसियम, जो गायनोसियम। तो ये चार पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है कुमंग कैसा पार्ट है, नल का पार्ट, और ये जायाम कैसा है, ये फीमेल का पार्ट, ये फीमेल का पार्ट, और ये कुमंग। तो हर उसके अंदर कुमंग और जायाम होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि कुमंग में जो मेल पार्ट होता है इसमें कितने प्रकार के जो है ऑर्गन्स मेल से रिलेटेड होते हैं, तो इसको भी जान लीजिए। पहला होता है पू कैंसर, इसको स्टेमेंस कहते हैं। दूसरा है पराग कोष, इसको पोलन स्पंजिया का नाम देते हैं। तीसरा है आपका है परागम, या इसको दूसरे भाषा में आप पराकर कौन बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है, माइक्रोस्पोर यानी लघुयाओं, लघुयाओं भी इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए तीन पार्ट से तरह के हैं। पहला क्या है कैंसर स्टेमेंस, पराकोष है ना, यानी पॉलन इसको बोल सकते हैं, पॉलन स्पंजिया। और तीसरा आपका है परागण, एक पॉलन ग्रेन या माइक्रो स्पोर। उसी प्रकार से इसमें भी तीन पार्ट है, पार्ट सब समान समान है, कोई नॉट डुपल नहीं बल्कि सारे इक्वल है। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें वर्टिकाप्ड होता है, इसको स्टिग्मा का नाम देते हैं। दूसरा पार्ट वर्टिका का होता है, और तीसरा पार्ट अंडाशय। तीन पार्ट देखिए इसमें भी है, तीन पार्ट होते हैं, दोनों समान है नहीं है, इधर भी है चार, इधर तीन है या दो है, तीनों समान। अब इन्हीं पार्टों के माध्यम से, भागों के माध्यम से ही निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन या लैंगिकरण क्रिया होती है, उसी के बाद जो है एक नए मेच्योर या परिपक्व अंडाशय का जन्म होता है, और यही मेच्योर या परिपक्व अंडाशय या निषेचित अंडाशय ही फल कहलाता है ना। तो फल क्या बना कैसे, पुष्पों के माध्यम से। आपसे पूछा जाए पुष्प कैसे बने, तो पुष्प में जो पौधे के जो स्टम होते हैं उस स्टम में क्या होता है प्ररोह होता है, उस प्ररोह वाले पार्ट से बड के रूप में कलिका के रूप में
पुष्प भरते हैं और यही बढ़ चल के आगे क्या बनता है, पुष्प बनता है। पुष्प के पहले क्या होगा, बड़काय रूप होगा, तो पुष्प बन गया और उस पुष्प के द्वारा लैंगिकरण की प्रक्रिया हुई और लैंगिकरण के द्वारा क्या हुआ, एक नया फल। जैसे आप कटहल में देखते होंगे, अमरूद में देखिए, नींबू में देखिए, संतरा में देखिए, केला में देखिए, हर एक तरीके का फल है नहीं है। तो ये फल कैसे बना, इसी कंडीशन के द्वारा, लैंगिकरण के द्वारा ही बना, पुष्पों के माध्यम से बना। अगर किसी पौधे के अंदर पुष्प न आते हो और कहिए कि बिना पुष्प के अंदर फल हो जाए तो ऐसा संभव नहीं, लेकिन एक फल है। अब उसमें पुष्प कब बनते हैं ये कोई देखता नहीं, डायरेक्ट उसमें जो बड़ होती है, बड़ ही डायरेक्ट फल में कन्वर्ट हो जाती है, पुष्प नहीं होता है। इसका नाम है गुलर। गुलर में आप देखेंगे, गुलर भी फल है, उसके अंदर भी सीड होते हैं, लेकिन उसके पुष्प कोई देख नहीं पाता है कब जो है उसका जो प्ररोह है या बड का फल में कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज कोई देख नहीं पाता है ना। और डायरेक्ट वो फल जो है एक क्या कहते हैं नवजात फल के रूप में वो उद्दीप्त हो जाता है प्ररोह से। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं, एक विरूप पुष्प होता होगा लेकिन कब बनता है, कब जो है फल में कन्वर्ट हो जाता है, ये कोई देख नहीं पाता है। तो ऐसा फल है गुलर। और बाकी जो सारे पुष्पों फलों के पुष्पों को हम देखते ही हैं और उसी के द्वारा फल बनते रहते हैं। केला में देखा होगा, संतरा में देखा होगा, ये सब स्पष्ट दिखाई देते हैं। फूल खिलने के कुछ दिनों बाद ही कुछ तो फूल पेड़ों से झड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और कुछ ही फूल जो है फल देने का काम करते हैं। लेकिन केले का पुष्प कभी झड़ता नहीं। केले के पौधे का भी देखा होगा, वनली एक ही पुष्प कौन जैसा निकलता है और उसी कौन जैसे पुष्प के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे केले गुच्छे गुच्छे के रूप में बहुत निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यानी फ्लावर ही क्या है, पुष्प का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा पुष्पों फलों का निर्माण होता है। तो ये आप जान लीजिए बच्चों। और बाकी जो चीज़ें छूटी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, है ना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है उसको सब्सक्राइब और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, गुड इवनिंग, गुड डे।